नवाल रविकांत एक एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर हैं और वो पॉपुलर हैं अपने जीने के तरीकों और ऐसी वाइज एडवाइस देने के लिए जिसे सुनते ही हर इंसान के अंदर एक लाइट बल्ब ऑन हो जाता है। उनकी जनरेशनल वेल्थ बनाने, खुश रहने, ग्रेटनेस हासिल करने, बुक्स रीड करने और अच्छी हैबिट्स बनाने की एडवाइस इतनी टाइमलेस है कि हर इंसान ही उनकी टीचिंग्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता है और अपनी लाइफ के हर एरिया को ही इम्प्रूव कर सकता है। नवाल के ख्याल इसलिए इतने सच और ऑब्वियस लगते हैं क्योंकि वो खुद भी काफी होलिस्टिक हैं। वो अमीर भी हैं, वो खुश भी हैं, वो बुक्स पढ़ते हैं, उनको फिलॉसफी में भी इंटरेस्ट है और उन्हें हेल्थ की भी नॉलेज है। यही रीजन है कि क्यों हमारे लिए उनके थॉट्स को जानना बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। इसलिए आपको इस एपिसोड के एंड तक टिकना चाहिए क्योंकि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और आपको लाइफ चेंजिंग एडवाइस मिलेगी। लेसन 1, खुद को एक अबनॉर्मल लूजर की तरह देखने से शुरुआत करो। यहाँ नवाल ये नहीं बोल रहे कि आप एक लूजर हो या फिर आपको अपनी सेल्फ एस्टीम खुद ही डिस्ट्रॉय कर लेनी चाहिए, बल्कि वो बोल रहे हैं कि हर इंसान खुद को स्मार्ट, सक्सेसफुल और हर समय खुद को सही दिखाना चाहता है, जबकि सक्सेस सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो खुद के अंदर की यूनिकनेस को ढूंढ पाते हैं और वो काम करते हैं जो एवरेज लोग नहीं करते। लूजर होने की फीलिंग आपको अपने अंदर छुपे बेस्ट आइडियाज को बाहर लाने के लिए फोर्स करेगी। वो बोलते हैं कि अगर आप खुद को एक लूजर की तरह देखोगे जिसको सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दिया है और उसका अब सोसाइटी में ज्यादा कोई बड़ा रोल नहीं है, तब आप अपने दिल की कर सकते हो और आपके सक्सेस तक पहुंचने के चांसेस ज्यादा होते हैं। शुरू में खुद को ये बोलना मददगार हो सकता है कि मैं कभी पॉपुलर नहीं बनूंगा, मुझे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी और मैं ऑलरेडी एक लूजर हूँ, मुझे वो नहीं मिलेगा जो दूसरे लोगों के पास है, इसलिए जैसा मैं हूँ मुझे उसी में खुशी ढूंढनी पड़ेगी। इस कोट की लास्ट लाइन ही नवाल के यूनिक थॉट्स को एक्सप्लेन करती है। उनके हिसाब से हम तब तक अपने यूनिक टैलेंट्स को छुपाते रहेंगे जब तक हम खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों की जजमेंट के बेसिस पर एक्शन लेंगे। लेसन 2, रीडिंग आपकी जिंदगी बदल देगी। नवाल बोलते हैं कि मैं हमेशा से ही बुक्स पर बहुत से पैसे लगाता आया हूँ, लेकिन मैं इसे एक एक्सपेंस की तरह नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखता हूँ। इसके साथ ही वो बोलते हैं कि जब भी हम किसी बुक को पढ़ने के लिए उठाते हैं तब ये जरूरी नहीं है कि हम उसे कवर टू कवर पढ़ें और जब तक वो बुक खत्म ना हो तब तक कोई दूसरी बुक ना खोलें। इसके बजाय नवाल बोलते हैं कि अपने इंटरेस्ट का पीछा करो। अगर आपको एक बुक अपनी तरफ बुला रही है तो ठीक है, उसे खोलो और तब तक पढ़ो जब तक आप उसमें से कुछ इंसाइट्स नहीं निकाल लेते और आपका इंटरेस्ट उसमें बना रहता है। लेकिन जैसे ही आप बोर हो जाते हो तब उस बुक को बंद करके एक दूसरी बुक को उठाना बिल्कुल नॉर्मल है। बुक रीडिंग को ऐसे मत देखा करो कि आप एक स्कूल में हो और आपको कोई शुरू से एंड तक रीड करने के लिए फोर्स कर रहा है, क्योंकि ऐसे तो आप रीडिंग को हेट करने लगोगे और नॉलेज से दूर भागोगे। इवन अगर आप एक बुक को रीड करते टाइम कहीं अटक जाते हो और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे तो रीडिंग से थोड़ा ब्रेक लो। जो चीज रीडिंग को यूजफुल बनाती है वो है आपकी क्यूरियोसिटी और नॉलेज की भूख। जैसे ही ये दोनों चीजें सेटिस्फाई हो जाएं, तब आपको वो बुक बंद कर देनी चाहिए। लेसन 3, आप स्मार्ट तब कहलाते हो जब आप मुश्किल चीजों को सिंपल बना पाते हो। नवाल बोलते हैं कि उनके हिसाब से असली जीनियसेस वो होते हैं जो मुश्किल से मुश्किल चीजें भी एक बच्चे को समझा सकते हैं। अगर आप कोई चीज एक बच्चे को नहीं समझा सकते तो उसका मतलब आपको उसकी कंप्लीट नॉलेज नहीं है। हर नॉलेज एक कुएं की तरह होती है जिसमें अलग अलग ऊंचाइयां या फिर लेवल्स होते हैं। जो लोग खुद को स्मार्ट दिखाते हैं और सिंपल चीजों को भी कॉम्प्लेक्स बना देते हैं वो यूजुअली इस कुएं के सिर्फ एक सर्टेन पॉइंट से ही वाकिफ होते हैं, जबकि एक असली जीनियस पूरे कुएं को ही नाप कर बैठा होता है। उसकी नॉलेज होल होती है और उसके बेसिक्स उसके दिमाग में एकदम क्लियर होते हैं। लेसन 4, हमेशा अच्छे डिसीजंस लेने के लिए मेंटल मॉडल्स बनाओ। मेंटल मॉडल्स हमारे मन में बने हुए ढांचे या फिर एक इक्वेशन की तरह होते हैं जिसमें कोई भी प्रॉब्लम डालने पर हमें सही सॉल्यूशन मिल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे खुद के मेंटल मॉडल्स में से सबसे स्ट्रॉन्ग मॉडल है सच बोलने का। यानी मैंने इतने सारे एविडेंसेस इकट्ठे कर लिए हैं, इतने वाइज लोगों की बातें सुन ली है, इतनी बुक्स पढ़ ली हैं और लोगों के लाइफ पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर लिया है कि मेरे दिमाग में एक ढांचा है जिस पर मैं कोई भी प्रॉब्लम या डिसीजन रख दूं, मुझे पता होता है कि लॉन्ग टर्म में मैं सच पर रिलाय कर सकता हूं और मेरा सच पर बेस्ड डिसीजन कभी भी मुझे गलत या फिर गिल्टी नहीं फील करवाएगा। नवाल बोलते हैं कि हमारा दिमाग एक मेमोरी प्रेडिक्शन मशीन की तरह चलता है। यानी अगर पास्ट में एक्स हुआ था तो हम बोल सकते हैं कि फ्यूचर में भी एक्स जरूर होगा। इसी तरह से अपने बेसिक्स को क्लियर करो क्लासिक और टाइमलेस नॉलेज हासिल करके। अगर आपने बिजनेस खड़ा करना है तो उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करो जो हमेशा से काम करते आए हैं। अच्छी लाइफ जीनी है तो ये देखो कि अब तक लोगों की लाइफ को अच्छा बनाने वाली चीजें क्या रही हैं। इसी तरह से अपने जेन्युइन मेंटल मॉडल्स बनाओ। लेसन 5, लाइफ एक सिंगल प्लेयर गेम है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि लाइफ एक मल्टीप्लेयर गेम है जहां सक्सेस
पैसा और स्टेटस बहुत इजीली मेजर करा जा सकता है, लेकिन ऐसी गेम में इनर हैप्पीनेस और इनर पीस को मेजर करना इम्पॉसिबल होता है। हमें सोसाइटी में अलग अलग गेम्स खेलने को बोला जाता है कि हम कभी पढ़ाई करें, कभी दोस्तों के साथ ड्रिंक करें या फिर सक्सेस हासिल करें ताकि गेम के दूसरे प्लेयर्स हमारे से इम्प्रेस हों। लेकिन ट्रू हैप्पीनेस एक्सटर्नल नहीं बल्कि इंटरनल होती है और हमें खुद को ट्रेन करना होता है अपने अंदर खुशी ढूंढने के लिए। इसलिए इस तरह से सोचो कि आप एक सिंगल प्लेयर गेम में हो जहां आप सिर्फ अपने आप से कम्पीट कर रहे हो और आपको किसी भी एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। लेसन 6, सेल्फ एस्टीम का मतलब है खुद के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना, यानी खुद से ये पूछो कि आपको बुरे काम करने से कौन रोकता है, दूसरे लोग या फिर आपके खुद के मॉरल्स। नवाल बोलते हैं कि जितने आप अच्छे काम करोगे उतना ही आप खुद को रिस्पेक्ट और प्यार करोगे, लेकिन जब आप दूसरों से झूठ बोलोगे तब आप खुद से भी झूठ बोल रहे होगे और धीरे धीरे आप खुद को कम प्यार करने लगोगे और आपकी सेल्फ एस्टीम भी कम हो जाएगी। वाइज लोग वो होते हैं जो इसलिए बुरा करना बंद नहीं कर देते क्योंकि दूसरे लोग उन्हें देख रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो देख रहे हैं। आप दूसरों से तो दूर भाग सकते हो लेकिन खुद से नहीं, इसलिए कोई भी काम ऐसा मत करो जो आपके अंदर सेल्फ हेट्रेड, गिल्ट या शेम जैसी फीलिंग्स को जन्म दे। लेसन 7, अमीर होने के बेसिक फॉर्मूला को अप्लाई करो। नवाल एडवाइस करते हैं कि अमीर होने को सबसे पहले एक लॉन्ग टर्म गेम की तरह देखो जहां आप बस रिचेज नहीं बल्कि वेल्थ बनाने पर फोकस होते हो। वो बोलते हैं कि आपको वेल्थ क्रिएट करने के लिए 3 चीजें चाहिए, स्पेसिफिक नॉलेज, अकाउंटेबिलिटी और लेवरेज। आपकी स्पेसिफिक नॉलेज स्कूल जाने से नहीं बल्कि अपनी क्यूरियोसिटी को फॉलो करने से बनती है। अकाउंटेबल होने का मतलब होता है कि आप खुद के नाम पर रिस्क ले रहे हो और अपनी कमिटमेंट शो कर रहे हो बजाय अपनी सक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों के कंधों पर लादने से। और फाइनली लेवरेज होती है किसी भी एक्शन के थ्रू मैक्सिमम एडवांटेज निकाल पाना। आप 3 तरह की लेवरेजेस को यूज कर सकते हो, यानी लेबर, कैपिटल और कोड एंड मीडिया। पहले दो टाइप्स परमिशन लेवरेज हैं, यानी आपको अपने आसपास लोग चाहिए होते हैं जो आपकी कमांड्स को फॉलो करें, या फिर एक इन्वेस्टर जो आपको पैसा दे। जबकि तीसरा टाइप कोड एंड मीडिया परमिशनलेस लेवरेज है, जिसमें आप एक सॉफ्टवेयर लिख सकते हो, पॉडकास्ट बना सकते हो, ब्लॉगिंग कर सकते हो या एक बुक लिख सकते हो। हर इंसान के पास लेबर और कैपिटल का एक्सेस नहीं होता, जिस वजह से नवाल वेल्थ बनाने के लिए परमिशनलेस लेवरेज यूज करने की एडवाइस देते हैं। लेसन 8, महान लोगों को हमेशा महान रिजल्ट्स ही मिलते हैं। यंग लोग जिनके सपने बहुत बड़े होते हैं वो खुद को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि वो ऑलरेडी सक्सेस डिजर्व करते हैं और उन्हें हर चीज जल्दी से जल्दी चाहिए होती है। लेकिन नवाल जो नई टेक्नोलॉजी बनाने वाले लोगों के साथ रेगुलरली काम करते हैं, वो ये बोलते हैं कि अगर आपके अंदर महानता है तो आपको सक्सेस भी मिल ही जाएगी। ग्रेट लोगों को ग्रेट आउटकम्स मिलती हैं। ऑफ कोर्स ग्रेटनेस हासिल करने में जितना समय हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे कई गुना ज्यादा समय लगता है, लेकिन जो लोग सबसे अलग आइडियाज प्रोड्यूस करते हैं और पेशेंट बने रहते हैं वो आगे चलकर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बनते हैं। इसलिए जल्दी सक्सेस हासिल करने पर नहीं बल्कि खुद को एजुकेट करते रहने और नए कॉन्टैक्ट्स बनाने पर अपना फोकस रखो। लेसन 9, डिजायर सफरिंग क्रिएट करती है। नवाल बोलते हैं कि डिजायर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आप खुद के साथ बनाते हो तब तक दुखी रहने के लिए जब तक आपको वो नहीं मिल जाता जो आपको चाहिए। ये चीज आपको अपने गोल तक पहुंचने में और धीमा कर देती है, क्योंकि एक फ्यूचर की डिजायर से अटैचमेंट हमारे प्रेजेंट में हमें दुखी और इनकम्प्लीट फील कराती है, जिस वजह से हम खुशी और एक्साइटमेंट के साथ नहीं बल्कि दर्द और चिंता के साथ काम करते हैं, और ये चीज हमारे काम की क्वालिटी को भी नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करती है। इसलिए ट्रॉफी से नहीं बल्कि गेम से प्यार करो।